नारेबाजी करनी है। ये बड़ा संजीदा इजलास है। आप मैं ये यकीन रखता हूँ कि आप इसको बड़ी तवज्जो के साथ सुनेंगे। मैं अपनी बातों में आपके साथ क्लियर हूँ। मैं जितनी मेरी बहनें ख्वातीन यहाँ सामने ख्वातीन गैलरी में तशरीफ रखती है, मैं उन सबको भी खुशामदेद कहता हूँ। आइटम नंबर 4, खैबर पख्तूनख्वा उस इस्लामाबाद पर वफाकी हुकूमत के एहलकारों, इस्लामाबाद पुलिस और रेंजर्स की वहशियाना यलगार, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा, स्पीकर सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा, मेंबरान सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा और सूबाई मुलाजमीन के कमरों के दरवाजे तोड़ने, रबड़ बुलेट्स और शेल का बेदरेग इस्तेमाल, ख्वातीन और फैमिलीज के साथ बदतमीजी, मारपीट समेत खैबर पख्तूनख्वा हाउस की अमलाक को शदीद नुकसान पहुंचाने और कब्जा करने पर बहस। देखें, ये हमारे दरमियान ये बात तय हो चुकी है। ओ भाई, खामोश हो जाएं, खामोश हो जाएं। देखें, अगर आप इस तरह दोबारा करेंगे, मैं इस बात पे मजबूर हूंगा कि मैं आप सबको गैलरियों से बाहर निकाल दूं और उसके बाद मैं वक्फा करके फिर मैं इजलास को शुरू करूं। आप ये देखें, आप बाहर नारे लगाएं, मैं यहां बाहर भी आपको जगह दूंगा, यहां बाहर खड़े होकर आप नारे लगाएं, मगर असेंबली हाल के अंदर नहीं। आप इस दीवान जो आपके अपने वोटों से मुंतखब हुए लोग हैं, उनकी बातें सुनने के लिए आपको यहां बुलाया है, ताकि आपको पता हो ये वो फोरम है जिस पे बातें आला तरीन सतह पे की जाती हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं जी? ओ, तो फिर दोबारा नारे नहीं लगाने हैं आपने जी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। जनाब वजीर कानून खैबर पख्तूनख्वा, शुक्रिया जनाब स्पीकर। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। स्पीकर साहब, कल के शर्मनाक और अफसोसनाक वाकयात के ऊपर, जो कि मैं समझता हूँ कि हमारे सियासी और आईनी तारीख में एक बहुत बड़े सयाह बाब के तौर पर याद रखा जाएगा, लिखा जाएगा, तो इस हवाले से मैं चाहूँगा जनाब स्पीकर के मैं सबसे पहले करारदाद पेश करूँ और उसके लिए रूल्स रिलैक्स की जाएं। थैंक यू। आप बोलेंगे कि आपकी जगह मैं खुद ही बोल दूं रूल्स की रिलैक्सेशन के लिए? जनाब स्पीकर, आई विश टू मूव दैट रूल 124 अंडर रूल 240 ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल्स 1988 मे बी सस्पेंडेड एंड अलाउड टू मूव रेजोल्यूशन इन द हाउस। Motion before the House is that Rule 124 may be suspended under Rule 240 and allow the honourable member to move the resolution. Those who are in favour of it may say yes. Yes. Those who are against it may say no. Ayes have it, the rule is suspended. Minister for Law, Kundi sahab, कुछ कहना चाहते हैं? आन करें। सर, इसमें मेरी एक गुजारिश है, बेहतर यही होगा जो एजेंडा पे पहले डिस्कशन हो जाए और हम आखिर में, क्योंकि रेजोल्यूशन की कॉपी हमारे पास भी पहुंच चुकी है, हम उसमें कुछ चाहते हैं जो अमेंडमेंट करके इनको दोबारा दें। बेहतर ये होगा कुछ कंसेंसस से अगर चीजें आ जाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा, इस हाउस की तौकीर भी बढ़ेगी और उससे पहले ये डिस्कशन कर लें जो एजेंडा आपने
कल वो किया, मेरे ख्याल में बेहतर ये होगा, बाकी जिस तरह आप हुक्म करें। जी मिनिस्टर ला, जनाब स्पीकर मैं चाहूंगा कि ये चूंकि इन्हीं वाकियात के हवाले से ये करारदादे हैं, तो पहले करारदाद हो जाए उसके बाद मेंबर्स अपनी ओपिनियन दे दें तो वो बेहतर रहेगा। जी जी कुंडी साहब, देखिए वो तो पहले भी हमने डिसाइड किया हुआ, अगर ये यकतरफा करारदाद करना चाहते हैं, क्योंकि हर चीज में ये यकतरफा तौर पर हर कार्रवाई करना चाहते हैं, अगर इनको शौक है तो कर लें, अगर ये कंसेंसस से बिल्ड करना चाहते हैं बेहतर यही होगा, इस ऐवान की तौकीर और इनका मुकदमा उस वक्त ज्यादा तवाना होगा जब वो कंसेंसस से होगा, बाकी जिस तरह ये मुनासिब समझते हैं हमें इस पर भी एतराज नहीं है, लेकिन यकतरफा चीज जो होगी वो इनकी आवाज को इतनी तकवीत नहीं बख्शेगी। शुक्रिया। आप इस तरह करें, वज़ीर कानून साहब आप करारदाद पेश करें, अगर ये मुत्तफिक ना हुए तो इन बिटवीन आप दोबारा बैठ के एक जॉइंट रेजोल्यूशन दोबारा ले आए इस पे। ये करार ये आप करारदाद पेश करें तो फिर बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं, सियासी जदोजहद में भी शहीद हुए हैं, हमारी फोर्सेस के लोग भी शहीद हुए हैं, तो उन सब के लिए फिर मैं जनाब अमजद साहब को कहूंगा कि वो फिर उनके लिए सबके लिए एक दुआए मगफरत पहले कर लें। जनाब अमजद साहब,